स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो जी रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ पिच और चैकिंग ऑफ पिच। पिच की अपने को डिस्टेंस होंगे, जिमें कि अपने को थ्रेडेड स्पेसीमैन आ, एक क्रिस्ट तो लैके दूसरी क्रिस्ट या फिर एक रूट टू लैके एडजेसेंट कोरसपोंडिंग सैकेंड क्रिस्ट तक जोड़ा साइज होगा उन्होंने आप पिच कहने। या तो एक अपने को क्रिस्ट तो लैके दूसरी क्रिस्ट या फिर एक रूट टू लैके दूसरी रूट, मतलब तुम्हें पता ही है क्रिस्ट टू क्रिस्ट या रूट टू रूट जो डिस्टेंस होंगे दैट इज़ पिच। ठीक है, मैं चैक किस तरह करना, ये अपने को पिच मेजरमेंट ऑफ एक्सटर्नल थ्रैड आ, डायमीटर नहीं है। ठीक है, इतने की थ्रैड आऊगा एक्सटर्नल थ्रैड के केस की आप किस तरह पिच में मेजर कर सकते हैं। तो ये की अपने को दो अपने को सेंटर्स ने, उदे विच की है स्पेसीमैन होल्ड कर लेना। तो अपने को डायल इंडीकेटर आ, डायल इंडीकेटर का नीचे वाला पोर्शन तुम्हें पता ही है, उत्थे की है पलंजर होंदा, दिस इज़ द पलंजर, ये पलंजर आ। पलंजर नूं की करना, आपां पहलां एक क्रिस्ट दे नाल टच करना। ठीक है, उत्थे नाल ही अपने को साइड पर जिथे अपने को रोटेटिंग हैंडल आदि की है, जिवें मिलिंग मशीन के केस विच अपने को माइक्रोमीटर दिता हों, एज इट इज़ की आ उरे भी माइक्रोमीटर ही दिता होगा। आप जो पहला टच करना एक क्रिस्ट पर उदों आप रीडिंग नोट कर लेनी है माइक्रोमीटर की, वो फस्ट रीडिंग होगी। तो आफ्टर दैट इनू विद द हैल्प ऑफ दिस हैंडल इनू की आ हॉरिजोंटली मूव करांगे। ठीक है, जो हॉरिजोंटली मूव करके सैकेंड क्रिस्ट पर पहुँच के उत्थे रीडिंग नोट कर लेंगे, दैट इज़ सैकेंड रीडिंग। फिर की करना, आप जी फस्ट सैकेंड होगी उन्हों सबट्रैक्ट कर देना फ्रॉम फस्ट, सैकेंड चो फस्ट में सबट्रैक्ट कर देंगे तो अपने को जो भी लेंथ आ जूगी दैट इज़ पिच, वो अपने को पिच की वैल्यू कैलकुलेट हो जूगी। ठीक है, दैन देख सकते हो तुम आ सैडल आ, ये इनू वर्टिकली मूव कर सकते हैं, बट जिहड़ा मेन रोल आ इस माइक्रोमीटर का जिदे नाल की आ हॉरिजोंटली मूव करके की आप पिच का साइज़ एक्सटर्नल थ्रैड के केस मेजर कर सकते हैं। नैक्सट आप पिच किस तरह मेजर कर सकते हैं इन केस ऑफ इंटरनल थ्रैड। इंटरनल थ्रैड के केस की अपने को इस तरह का पोर्शन आ, एक अपने को हैड आ, हैड आ, ये काम करता सी एन सी मशीन होंगी जिस तरह, उस तरह यह हैड काम करता। ये एंड ते की अपने को बार कैरिंग स्टाइलस, एक स्टाइलस लगे, स्टाइलस तो पता ही है जिमें रफनैस टैसटर होंगे ने, एंड ते भी स्टाइलस लगे होंगे, ये डायमंड का होंगे। ठीक है, जोड़ा स्टाइलस आ जिमें डायल इंडीकेटर के केस अपने को पलंजर सेगा, एक पॉइंट पर टच करेगा फिर दूसरे पर टच करेगा, बट इस केस के वी हैव स्टाइलस, उन्होंने पहला फस्ट क्रिस्ट ना फस्ट रूट के ना टच करा, फिर कि सैकेंड रूट के ना टच करा, रीडिंग सबट्रैक्ट करके की आ वी विल मेजर द वैल्यू ऑफ पिच। ठीक है, जिमें इत्थे चक दे विच इंटरनल थ्रेडेड स्पेसीमैन होल्ड किया हो, पहला कि आप एक जिहड़ी क्रिस्ट आ उत्ते साइज़ मेजर कर लाँगे, फिर दूसरी तो मेजर कर लाँगे, फिर सेम फॉर्मूला सैकेंड माइनस फस्ट वी विल कैलकुलेट द साइज़ ऑफ पिच। ठीक है, ये सीगा थोड़ा टॉपिक मेजरमेंट ऑफ पिच, ये एक्सटर्नल थ्रैड किस तरह मेजर कर सकते हैं, जो अपने को इंटरनल थ्रैड ने तो किस तरह मेजर कर सकते हैं। थैंक यू।